अस्सलाम वालेकुम डेवलपमेंट के साथ मेरे दादा, आज हम जिस फोन के बारे में बात करने वाले हैं वो भाई हमें ओप्पो ब्रांड की तरफ से देखने को मिलता है। जिस तरह के मैं बात कर रहा हूँ भाई A16 की, तो आजकल मार्केट में भाई बहुत ही ज्यादा अदर ब्रांड की निस्बत हमें फोन देखने को मिलते हैं। जिस तरह वीवो, टेक्नो, इनफिनिक्स का आए दिन नया मॉडल आपको देखने को मिलता है, इसी तरह भाई आज हम जिस फोन की बात कर रहे हैं वो A16 ओप्पो का 8 GB जमा 256 GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। चले आए करते हैं इसको अनबॉक्स और बकायदा इसके इसमें देखते हैं कंपनी में हमें क्या क्या चीज प्रोवाइड की है। सबसे पहले भाई चैनल पर आने वाले भाई लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को दबा दो ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चले आए वॉच करते हैं और बकायदा A16 को अनबॉक्स करते हैं। जिस तरह अगर बात की जाए ओप्पो के A16 की, तो भाई ये मार्केट में आपको बहुत ही मज़े का और बहुत ही एक अच्छी प्राइस टैग में आपको देखने को मिला। प्राइस टैग की मैं अगर बात करूँ तो 55,000 की रेंज में आपको 8 GB 256 GB वाला ये वेरिएंट देखने को मिलता है। जिस तरह के अदर ब्रांड की बात करें तो अदर ब्रांड में इस क्वालिटी का फ़ोन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलो अनबॉक्स करते हैं और बाकायदा इसकी आपको बताते हैं कि इसमें आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले जो हाईलाइट पर जो चीज़ मैंशन की गई हुई है वो बताना चाहूँ तो भाई PTA से प्रूफ शुदा आपको फोन मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 8 GB रैम और 256 GB वाला आपको वेरिएंट मिलता है। 8 GB रैम एक्सटेंड वाला ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिलता है, जिस तरह 8 GB जमा 8 GB। जिस तरह अनबॉक्स करते ही सबसे पहले जो हमें चीज देखने को मिलती है वो डिवाइस ही है, तो डिवाइस को रखते हैं साइड पे। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई कंपनी ने हमें इसके साथ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे मज़े की जो बात है भाई यार, हमें एक सिलिकॉन कवर देखने को मिलता है। अच्छी डिवाइस परचेज करते हैं तो अगर कवर प्रोटेक्शन अच्छी ना हो तो हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि भाई यार हमें कोई अच्छी सी प्रोटेक्शन चीज़ इसके साथ नहीं मिली। तो भाई ओप्पो की तरफ से हमें एक सिलिकॉन पाउच देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही एक अच्छी होने वाली है। इसके अलावा आपको कंप्लीट बुक देखने को मिलती है ओप्पो ब्रांड की तरफ से, तो ये भी भाई इसको रखते हैं साइड पे। एक आपको इंस्ट्रक्शन पिन देखने को मिलती है, जिस तरह के भाई आप सिम इससे इजीली चेंज वगैरह भी और नहीं भी डाल सकते हो, इसको रखते हैं साइड पे। इसके अलावा अगर मैं चार्जर की बात करूं तो भाई सुपर वोक चार्जर आपको 45 वाट का सुपर वोक चार्जर आपको इसमें देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चार्जर हमें प्रोवाइड कर रहा है ओप्पो ब्रांड। तो इसके अलावा अगर मैं डाटा केबल्स की बात करूँ तो टाइप सी वाली हमें डाटा केबल देखने को मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छा और एक फास्ट चार्जर मोबाइल होने वाला है। जिस तरह के भाई इसके चार्जिंग स्पीड्स की बात करूँ तो 50 जो है 30 मिनट में आपको चार्ज प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा चलते हैं डिवाइस की तरफ, तो डिवाइस को अनरैप करते हैं। अनरैप करते ही सबसे पहले जो हमें कलर देखने को मिलता है ये बहुत ही एक मोस्ट ब्रिलियंट और अच्छा फ़ोन देखने को मिलता है। कलर स्कीम्स की बात करें तो भाई कलर स्कीम्स भी बहुत ही एक अच्छी और मज़े की बना दी गई हुई है ओप्पो की तरफ से, तो ये एक बहुत ही शीशे में आपको देखने को मिलता है। कैमरा स्टाइल्स की बात करूं तो A18 और A35 वगैरह इसी शेप में आपको देखने को मिलते थे, मगर इनका ये बॉर्डर जो उन्होंने एक नई चेंज लुक दी है वो यही है कि भाई ये एक बहुत ही खूबसूरत फ़ोन लग रहा है। ओप्पो की ब्रांडिंग आपको मेंशन की गई हुई है आपको देखने को मिलती होगी। नीचे की तरफ मैं बात करूँ तो भाई टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलती है, स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिलती है और एक हैंडफ्री वाली ऑप्शन भी आपको उसमें देखने को मिलती है। सबसे अमेजिंग चेंज ये उन्होंने किया कि भाई यार जो फिंगर प्रिंट्स है वो आपको साइड पे देखने को मिलता है, साइड पे वॉल्यूम बटन भी आपको देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। चले इसको करते हैं ऑन और बाकायदा इसके डिस्प्ले की टेस्ट करवाते हैं। सबसे अमेजिंग अगर मैं बात करूँ तो भाई इसमें आपको 5000 mAh की पावरफुल बैटरी भी देखने को मिलती है, जिससे भाई बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है और बहुत ही एक मज़े का बैटरी टाइमिंग होने वाला है। कैमराज की बात करूँ तो भाई बैक कैमरा भी 50 MP का मेन लेंस आपको देखने को मिलता है। दूसरे लेंस की बात करूँ तो 2 MP का आपको बैक कैमरा लेंस देखने को मिलता है। नीचे आपको एक फ्लैश लाइट देखने को मिलती है
और फ्रंट की बात करो तो भाई फ्रंट नोच कैमरा 8 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है। जिस तरह के भाई अगर व्लॉगिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है। इसके अलावा अगर कैमरा डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले आपको टेस्ट आउट करवाऊंगा, बहुत ही ज्यादा ये मजा आने वाला है। एंड्रॉयड वर्जन की बात करूं तो भाई 14 वर्जन इसमें आपको यूज करने को मिलेगा। स्क्रीन्स की बात करूं तो भाई यार ये आपको 6.65 इंचेस का आपको एक बहुत ही अच्छा 90Hz वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है ओप्पो ब्रांड की तरफ से। तो ओप्पो ने भाई रिसेंटली जो मॉडल इसलिए मार्केट में मुतारफ करवाया कि भाई हमारे जो छोटे यूज़र थे जो इतनी ज़्यादा प्राइस टैग नहीं खर्च सकते, तो उनके लिए एक मुनासिब प्राइस टैग वाला 8256 वाला, जिसमें 8x8 वाला वेरियंट भी आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके प्रोसेसर की, जो मेन फोन्स का प्रोसेसर होता है उसकी मैं अगर बात करूं तो भाई वो भी आपको स्नैपड्रैगन 68 देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही मज़े का 19Hz वाला डिस्प्ले वाला फ़ोन होने वाला है। जो भाई इसको पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में भी हमें लाजमी बताइएगा। और ये फ़ोन आपको किस तरह का लगा और इसमें यूज़ किस तरह के हैं, और ये बहुत ही एक लेटेस्ट वर्जन में आपको फ़ोन देखने को मिलता है। इसकी स्मूथनेस की मैं बात करूँ तो बहुत ही एक 19Hz वाला आपको इसमें डिस्प्ले देखने को मिलता है। कैमराज की बात करूँ तो कैमरा भी बहुत ही ज़्यादा आपको एक अच्छा देखने को मिलता है। जिस तरह अगर मैं बैक कैमरे की बात करूँ तो कैमरे में आपको बहुत ही 2 और 1 जूम वाला आपको एक्स्ट्रा फंक्शन देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो फ्रंट कैमरा भी आपको बहुत ही मज़े का देखने को मिलता है। जिस तरह की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही शानदार क्वालिटी होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई इसके प्रोसेसर की तो प्रोसेसर भी आपको एक बहुत ही अच्छा होने वाला है। गेमिंग टेस्ट में लाजमी इसका करूंगा, क्योंकि भाई यार जो भाई 50,000-60,000 की रेंज में कोई भी फ़ोन बाय करेंगे तो वो इस फ़ोन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मैं आपका होस्ट अली रज़ा, अस्सलामुअलैकुम।